you, myself Mr. Yogesh Joshi, on behalf of class teachers and school management, हम आप लोगों के लिए सभी students के लिए जो 11th heaven के हैं जो अभी गए हैं उनके लिए जो है online classes start कर रहे हैं, तो मेरा सभी students से ये personally request है as a class teacher कि आप जो है उन videos को देखें, उनको understand करें और एक proper notes बनाएं। उसी बिहाफ पे मैं आपको आज जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री के स्कोप और उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस ही क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो जनरली स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी चेंजेस। कैसा एनर्जी चेंज होता है, कैसे वो ट्रांसफर होती है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वैसे जो है वो हमारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज़, किसी भी प्रॉपर्टीज़ का जो है वो स्ट्रक्चर्स और ट्रांसफॉर्मेशन, मैटर का, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंस और स्कोप। जैसे नंबर वन हम ये लेते हैं, सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप प्लास्टिक इंडस्ट्री देखते हैं, रबर इंडस्ट्री देखते हैं, इन कमर्शियली इंडस्ट्री के लिए जो है वो केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जैसे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, सोप, डाइज, केमिकल इंडस्ट्रीज मेड ऑफ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नेशनल इकोनॉमी। इन सब का नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये सब जो है हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। नंबर थ्री, और उसका स्कोप क्या देख सकते हैं, केमिस्ट्री हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स। बहुत सी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हमारे लिए होती हैं उनमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे सिसप्लैटिन है और टैक्सोल है, ये कुछ एक ऐसी केमिकल्स हैं जिनका यूज़ जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और ये कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इन सब के पीछे भी जो है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वॉज क्रूसियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल को जो है अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा वो केमिस्ट्री के थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो रोल है केमिस्ट्री का, एडवांसमेंट इन केमिस्ट्री ऑल्सो लीड टू सेपरेट प्रॉब्लम सच एज एन इवोल्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में लाइक मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और विच आर मीथेन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहा है कि केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ कहाँ है, उसकी इम्पॉर्टेंस ही क्या क्या है, डेली लाइफ में हम किस तरीके से केमिस्ट्री से अटैचमेंट हैं। इम्पॉर्टेंसी और स्कोप में आपने देख लिया, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो विदाउट केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, चाहे वो रबर इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो एसिड इंडस्ट्रीज़ हो, डाई इंडस्ट्रीज़ हो, और भी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं, ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ हो सबसे ज़्यादा, और कीमोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट, इन सब के पीछे जो है वो केमिस्ट्री है। तो मैं यहीं आज इंट्रोडक्शन क्लास में आपको यही समझाने आया हूँ कि केमिस्ट्री जब हम पढ़ने जा रहे हैं, कल से हमारी जो है इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो है फिर क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएंगी सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले आपको जो है केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंसी और उसके स्कोप के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। तो ये मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन क्लास के माध्यम से ये बताना चाहा है कि केमिस्ट्री का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उसकी हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंसी है।
तो गाइस मैं यही आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमने ऑनलाइन क्लासेस जो मंडे से स्टार्ट की हैं, आप उसे पर्सनली देखें, बहुत माइन्यूट तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के बाद जो है उस पर प्रॉपर नोट्स बनाएं। और यही हमारे मैनेजमेंट ने और हमने जो है आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें और आपका जो कोर्स है वो प्रॉपर वे में मेंटेन रहे। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप मंडे से जो है इस ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरीके से, माइन्यूट तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।